भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जहां इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं इंदौर पहुंचने से पहले एक बार फिर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में लगाए पोस्टर निकाल दिए, जिससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 27 नवम्बर को इंदौर पहुँचने वाली है, जहाँ यात्रा के भव्य स्वागत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टरों से सड़कों को पाट दिया। वहीं रविवार की सुबह इंदौर नगर निगम की टीम स्वच्छता के नाम पर शहर भर में कांग्रेस द्वारा लगाए पोस्टर निकालना शुरू कर दिए। ये बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी और उन्होंने नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जब भी बोलते हैं ये, और आज के तक कमिश्नर के आदेश है, और हमारा आना राहुल गांधी ने फिर कहीं आ सर, ये भारत जोड़ो यात्रा है, कोई कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये पूरे देश की यात्रा है। राहुल आज पैदल चल के आ रहे हैं। नहीं निकाल के इधर के साइड जमा दिए दीवार में। प्रदीप शर्मा के उस पर लात मार रहा हूँ, शर्म आना चाहिए तुम्हें। आपको तो बाद में खुलेंगे फिर। बोलते राजा सामने खुले लगा आपके नेता बोलने वाले, नहीं सामने नहीं बोला है, ये बीजेपी के विधायक कहने पर अच्छी बात नहीं है। अब आप कांग्रेस अगर ध्यान रखना। अरे बीजेपी वाले को लगा रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, तो हमारे सब खर्चे पे लगा रहे हैं कम से कम। अरे बात कमिश्नर आगे नहीं जाकर जब इनकी चुनरी यात्रा निकलती है, जब कहाँ जाते हैं ये, जब इनके नरेंद्र मोदी की यात्रा निकलती है, जब भी बोलते हैं ये, और आज के तक कमिश्नर के आदेश है। आपको तो बाद में खुलेंगे फिर, ये ध्यान रखना। सब बोलते बोलते कमिश्नर ने बोला कमिश्नर, कमिश्नर नहीं बोला। अरे राजा सामने खुले लगा नहीं करिए, ये 6 महीने की सरकार है, 7वें महीने में गिनतेंगे तुमको हम अच्छी तरह से। आप अपनी गाड़ी और अधिकारी को लेके जाओ यहाँ से, और अब एक भी बैनर पोस्टर नहीं हटना चाहिए। और अगर फटा तो समझ लो फोसला देंगे हो जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी पोस्टर बैनर को लेकर नगर निगम कर्मियों से विवाद हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि यात्रा निकल जाने के बाद स्वयं वह पोस्टर निकाल लेंगे, लेकिन इसके बाद भी जब निगम कर्मचारी नहीं माने तो उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा सरकार अब सिर्फ 6 महीनों की बची है, इसलिए नगर निगम अब भेदभाव करना छोड़ दे। भैया आज ये नगर निगम द्वारा यहाँ पर होर्डिंग निकाले गए, तो किस तरह से आपने? देखिए यहाँ पर झंडे बैनर लगे हुए थे, 2 घंटे की मात्र यात्रा बची हुई है, उसके बाद हमने यहाँ पर गलत तरीके से झंडों को बैनरों को फाड़ा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था और उनको ले जाया जा रहा था। अभी यहाँ पर सभी कार्यकर्ता आए और उन्होंने निवेदन किया कि भाई 2 घंटे की हमारी यात्रा बची है, कृपया अगर आप 2 घंटे तक लगे रहने दीजिए, क्योंकि यात्रा जैसे ही निकल जाएगी उसके बाद हम स्वयं अपने हाथों से अपने झंडे बैनर निकाल लेंगे, ये हम जिम्मेदारी लेते हैं, इस तरह से हमने निवेदन किया है। परंतु नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने कई जगहों एक पंडित मिश्रा जी की कथा भी हो रही है बाणगंगा में, उनके बैनरों को फाड़ फाड़ के नीचे पाँव में आ रहे लात रख रहे उस पर, इस तरह से ये अपमानित कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत तरीका है। कई बीजेपी भाजपा के भी कई बड़े आयोजन होते हैं, हम देखते हैं शहर में कई बार बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर उनके भी लगते हैं,
पर कायदा यही कहता है कि भाई जिस तरह से उनके कार्यक्रम के बाद उनके होर्डिंग पोस्टर जो भी हटाए जाते हैं, उसी तरह से हमारे भी आयोजन के बाद आप हमारे भी होर्डिंग पोस्टर नगर निगम अगर नहीं हटाती है तो हमको हम खुद ही हटा लेंगे अपने हाथों से। इस तरह का क्या बात हुई आपके नगर निगम के अधिकारियों? नहीं, वो अड़े हुए हैं कि वो हटा मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये तानाशाही रवैया बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं और लोगों से यहाँ बदतमीजियाँ कर रहे हैं, लोगों से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं नगर निगम के लोग। नहीं नहीं, ये गलत जानकारी है, झूठी बात है, इस तरह की कोई बात कहीं नहीं हुई है, इस तरह की किसी कार्यकर्ता ने कोई बात नहीं करी। हम तो लगातार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जैसे ही यात्रा इस रूट से निकलेगी, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वयं ये झंडे और पोस्टर हमारे निकाल लेंगे। ये बहुत पहले से हमने बैनर पोस्टर नहीं लगाए हैं, सिर्फ आज सुबह ही सारे बैनर पोस्टर लगे हैं। हम भी इंदौर की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, हम भी इंदौर की अपनी एक मर्यादा का आदर करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पहले से कहीं होर्डिंग बैनर पोस्टर नहीं लगाए, ये आज सुबह लगे हैं। किसके आदेश का बोल रहा है कि किसके आदेश से अनुसार हटाएगा? या तो भाजपा का आदेश हो सकता है या नगर निगम के किसी बड़े अधिकारी का आदेश हो सकता है, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। आपका नाम बता। पर जिसका भी आदेश है, मैं आदेश देने वाले से भी निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि दो घंटे की यात्रा बची है, हम स्वयं अपने बैनर निकालेंगे। आपका नाम? दौलत पटेल, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष। आपको बता दें कि इसके पहले कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला द्वारा कराई जा रही शिव महापुराण को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा के पोस्टर भी नगर निगम ने निकाल दिए थे, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।